भारत तक अब नए अंदाज में। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी महंगे पेट्रोल डीजल से छुटकारा देने के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया है। एक बैठक को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है अगले 2-3 दिनों में वो एक फाइल पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं जिससे कार निर्माताओं को 100% बायो एथेनॉल से चलने वाले इंजन बनाने के लिए कहा जाएगा। अब मैं आने वाले दिनों में 2-3 दिन में फाइल साइन करने वाला हूं जिसमें दिल्ली जैसे शहरों के सॉल्व हो जाएगा। आज मुझे याद आता है कि हमारा किसान इथेनॉल पैदा कर रहा है, गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, कॉर्न से, राइस से, अब सेकंड जनरेशन इथेनॉल बायोमास से होगा। और अब मैं आने वाले दिनों में 2-3 दिन में फाइल साइन करने वाला हूं जिसमें दिल्ली जैसे शहरों के सॉल्व हो जाएगा कि अब जितनी गाड़ियां टोयोटो सुजुकी और हुंडई तीनों ने MD ने मुझे मिलकर अश्योर किया है कि जैसे ब्राज़ील और अमेरिका में है और कनाडा में है वैसे हमारे देश में हमारी 2-व्हीलर, हमारी 3-व्हीलर, हमारी कार अब 100% पेट्रोल के बजाय वही कार 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी जो हमारे किसानों ने तैयार किया है और इट इज ए ग्रीन फ्यूल, पोल्यूशन मुक्त है। नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार एथेनॉल को बढ़ी हुई आपूर्ति के साथ फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले वाहनों को जल्द से जल्द पेश करने की योजना बना रही है। उनका कहना है कि 100% बायो एथेनॉल पर चलने वाले फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के रोल आउट के साथ ही एथेनॉल की मांग तुरंत 4-5 गुना तक बढ़ जाएगी। अब इतना ही नहीं तो हमारे साइंटिस्ट इतने अच्छे हो गए कि मैं 15-20 दिन के बाद मैं एक गाड़ी मैंने अपने लिए लाई है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके गाड़ी चल सकती है। किसको बताओ, विश्वास ही नहीं रखते कोई। तो मैंने कहा मुझे गाड़ी दे दो, मैं दिल्ली में गाड़ी लेके घूमूंगा ग्रीन हाइड्रोजन पर, तब लोगों को विश्वास होगा कि ये सच है, ये हो सकता है। वो दिन अब दूर नहीं है कि हमारे नगर पालिका और महानगर पालिका का वेस्ट वाटर इसको हम लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करके उसको ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे और हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी। अब इलेक्ट्रिक भी आ गया, इतना राइज है कि इलेक्ट्रिक में लिथियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, एल्यूमिनियम आयन बैटरी, जिंक आयन बैटरी, बैटरी केमिस्ट्री पर इतना रिसर्च किया हमारे लोगों ने कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विज्ञान जिसका आज पुरस्कार दिया है कि हम लोग अगर विज्ञान में जिस प्रकार से आज काम कर रहे हैं, हमारी 7.5 लाख करोड़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और मैं 4-5 दिन पहले नोएडा में सुजुकी टोयोटा के एक स्क्रैपिंग सेंटर के उद्घाटन के लिए गया था, तब वहां दोनों MD जापान के भी लोग आए थे, तो मैं उनको कह रहा था कि 5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री 15 लाख करोड़ की बनेगी, वर्ल्ड के सभी ब्रांड मर्सिडीज, BMW, ऑल ब्रांड्स हिंदुस्तान के मार्केट में है। स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण वेस्ट टू वेल्थ, नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द विजन ऑफ द लीडरशिप एंड द टेक्नोलॉजी दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो पूरा भंगार हमारे टायर का कुछ भी अभी कोई वेस्ट नहीं है। हमारे विचार परिवार में कहते हैं कि कोई कार्यकर्ता काम का नहीं, ऐसा नहीं, हर कार्यकर्ता काम का है। आवश्यकता इस बात की कि उसको मार्गदर्शन करने वाला नेता कैसे मिले, टेक्नोलॉजी कैसे मिले, विजन कैसे मिले, वही असामान्य काम करता है। इस तरह की मुहिम से भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा बल्कि पेट्रोल डीजल पर निर्भरता और प्रदूषण में भी कमी लाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।